जय भीम साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से भारत में जो जाति व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको जो जातियां हैं उन जातियों का इतिहास सबूतों के साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम कुमार नाम की जाति का इतिहास देखेंगे। वास्तविकता कुमार जाति क्या है, किस तरीके से उसको जाति में तब्दील किया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में सुतार है, लोहार, धोबी, नाई, माली, सोनार, महार, कुली, तेली और कुम्हार जैसी जातियां शामिल हैं। कुम्हार शब्द की उत्पत्ति कुंभकार से माना जाता है, लेकिन वास्तविक ये संस्कृत से जोड़ा जाता है, लेकिन प्राचीन समय में इसे प्राकृत पाली भाषा में कुलरिक कहा जाता है। कुम्हार जाति है या व्यापार की श्रेणी है? क्या है कुम्हार जाति का इतिहास? तो कुम्हार जाति का इतिहास में कहा जाता है कि उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथों से ही उनका इतिहास आज तक देखा गया है। वैदिक मान्यता से अगर देखने जाएंगे तो कुमार की उत्पत्ति त्रिदेव से की ऐसे कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ ही त्रिदेव को यज्ञ करने की इच्छा हुई तो यज्ञ के लिए मंगल कलश की आवश्यकता थी। तब उन्होंने प्रजापति ने एक मूर्तिकार कुमार को उत्पन्न किया और उसे मंगल कलश बनाने का आदेश दिया। मंगल कलश बनाने के लिए विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा ने अपने कमंडलू दिए और शिव ने अपने पिंडी दे और मंगल कलश का निर्माण हो गया। ऐसी दंत कथाएँ कुम्हार जाति के बारे में हमें और भी देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ और भी कहा जाता है कि कुम्हार जाति के बारे में कुम्हार को प्रजापति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और पंजाब में कुम्हार को कुम्भार ऋषि से उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसे कुंभकर की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से हुई है ऐसे माना जाता है। अभी कुम्हार जातियों से कई उपजातियां भी है, यानी कि कुम्हार जातियों की कई और उपजातियां भी हैं, जैसे कि मराठा कुम्हार है, गुजराती कुम्हार है, कोकनी कुम्हार है, राणा कुम्हार है, अहिर कुम्हार है, लाड़ कुम्हार है, परदेशी कुम्हार है, लिंगायत कुम्हार है, कुरेरे कुम्हार है, हाथगड़े कुम्हार है, गधेरिया कुम्हार है, ऐसी कई उपजातियां कुम्हार जाति में पाई जाती हैं। लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमें इन जातियों का निर्माण की सारी बातें सामने आती है। इतिहास के पन्नों में भारत का आर्थिक इतिहास है और इसे सदन माना जाता था, क्योंकि वो बड़े व्यापारिक केंद्रों से उस समय भारत एक बड़ा भी व्यापारिक केंद्र भी बना था, तो जहाँ पर छोटे बड़े कई व्यापारी थे। उस समय ये व्यापारियों का एक संघ हुआ करता था, जैसे भिक्कुओं का संघ हुआ करता था वैसे ही भारत में व्यापारियों का संघ था। और उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके बारे में जानकारी हमें दुनिया के कोई किताब में नहीं मिलती है और ऐसी कोई किताब नहीं है जो इनकी जानकारी दे सके। तो वो सच क्या है ये जानने के लिए हमें हमारे भारत के प्राचीन स्थापत्य और उनमें पाए गए शिलालेखों से ही भारत का इतिहास सामने आता है। आज हम जो इतिहास सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सच होता है ऐसा नहीं, लेकिन शिलालेखों से हमें बहुत कुछ सामने आ जाता है। भारत में यही एक सच्चाई है जो हमें उन शिलालेखों से आज भी मिल जाती है। आज हमें जातियाँ इन शिलालेखों से मिलती है। कैसे? तो उस समय की जो व्यापार का जो संघ हुआ करता था आज वो एक जाति में तब्दील हुआ है। प्राचीन समय में सम्राट अशोक और शुंग सातवान काल में ये सारे शिलालेख पाए गए हैं। उन्हीं शिलालेखों से हमें उस समय के व्यापारी संघों की जानकारी मिलती है।
कुमार ये कोई जाति नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस समय मिट्टी के वस्तुएं बनाकर व्यापार करता था, तो जो भी लोग मिट्टी से वस्तुएं बनाकर दुनिया भर में बेचते थे उन लोगों का एक संघ हुआ करता था और उसे कुलरिक कहा जाता था। इसका पुख्ता सबूत है, आज भी हमें उसे पढ़ सकते हैं, नासिक के बौद्ध लेनी में, लेनी क्रमांक 10 में जो शिलालेख मिलता है, जो लेनी के बाहें बाजू में स्थित वॉल पर अभीर राजा का शिलालेख है, उसमें गणपक रेमिल इसकी पत्नी, गणपक विश्वकर्मा इसकी माँ और शक अग्निवर्मा की लड़की विष्णुदत्ता, इसने त्रिरश्मि पर्वतों पर रहने वाले भिक्षुओं के लिए औषधोपचार के लिए फिक्स डिपॉजिट रखे थे, तो उसमें से 1000 कारशापन उसने कुलरिक श्रेणी में यानी कि कुम्हार के व्यापारी संघ को दिए थे और उन्हें उससे व्याज से मिट्टी के बर्तन भिक्षु संघ को देने का प्रावधान किया था। ये सच आपको इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि अगर आप ये सच जानते हो तो उस समय के लोगों का, उस समय के समाज जीवन का हमें इतिहास पता चलेगा और उस समय का समाज जीवन किस तरीके से था, लोक जीवन कैसे था, यह आपको समझेगा। अगर यह आपको समझ में आता है तो जाति व्यवस्था की रचना आपको समझ में आएगी। आपको अगर इस बौद्ध काल की पूरी हकीकत जानने के लिए ज़रूरत होती है कि आपको ये इतिहास पढ़ना है, इस बौद्ध काल की पूरी हकीकत जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, कुमार से जाति नहीं है, कुमार ये जाति नहीं है, ये जाति का आधार बताया गया है, उन्हें शूद्र कहा गया है, लेकिन वो शूद्र नहीं है, वो जातियों में नहीं है, तो एक मूलतः व्यापारी है। उनके मिट्टी से बर्तन हो या उनकी वस्तुया हो या उनके कलाकुशल से बनाए गए शिल्प हो, ये सारे देश विदेश में व्यापार के लिए जाए जाते थे और उन्हें इससे बड़े पैमाने पर देश विदेश में उनकी मान्यता भी थी। तो ये समय देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि उस समय ये व्यापारियों का संघ की ताकत हमें आज देखने के लिए मिलती है। आज हम जब देखते हैं तो कई सारे मार्केट हम आज भारत में देखते हैं, जैसे कि कपड़े का मार्केट हो, सोने का मार्केट हो, हीरे का मार्केट हो, धान का मार्केट हो, अलग अलग मार्केट हम देखते हैं और हमें ये मार्केट से पता चलता है कि ऐसे ही उस समय में मार्केट हुआ करते थे, जिन्हें कुम्हार नाम का, जिसे आज हम कुम्हार कहते हैं, उस समय उसे कुलरिक कहा जाता था। तो ये कुलरिक नाम का मार्केट उस समय में भारत में हुआ करता था। तो आज हम जो मार्केट किसी एक के कब्जे में देख रहे हैं, उस समय वो व्यापारी संघ के कब्जे में था। तो क्या होता था, हर घर में आर्थिक संपत्तियाँ आती थी, तो उस घर में जब आर्थिक संपत्तियाँ आती थी तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग थे वो धम्म के राह पर चलते थे। धम्म के राह पर चलने वाले लोग थे, इसीलिए ये व्यापारियों की श्रेणी हमें देखने के लिए मिलती है। कुम्हार नाम की व्यापारी श्रेणी यानी संघ था, इसका सबूत है, लेकिन कुम्हार किसी की पैदाइश है या इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये कथा कल्पना इतिहास नहीं होता है, इसको सबूत चाहिए और सबूत से ही इतिहास को प्रमाणित किया जाता है। दोस्तों, यही सच्चाई है कि ये जो कुम्हार जाति है, ये कुम्हार जाति उस समय कुम्हार व्यापारी संघ हुआ करता था, उसे हम कुलरिक कहते हैं और ये आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आज भी इसका सबूत है और सबूत के साथ ये इतिहास आपके सामने रखने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो जिस तरीके से काल्पनिक कथाओं से इतिहास लिखा जाता है, वैसे इतिहास होता नहीं है। दोस्तों, तो आज हम नए इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कुलरिक यानी कि कुम्हार की जो व्यापारी श्रेणी है, व्यापार का संघ है, उसे आप आज भी सामने लाने की कोशिश करो तो आपको एक महान विरासत सामने आ जाएगी। यही दोस्तों सच्चाई है, यही एक सच है जो भारत में सदियों से छुपाया गया है। अगर आपको ये सच बताएंगे तो सीधी सी बात है, आप
किसी और मार्ग पर चलेंगे। अगर आप किसी और मार्ग पर चलते हैं तो धर्म के ठेकेदारों को या जाति व्यवस्था के ठेकेदारों को उनकी हानि हो जाएगी, इसके लिए आपको सच बताते नहीं। कई लोग ये कहेंगे कि यह हमारा हिंदू धर्म का एक इतिहास है, इतने इतने सारे इतिहासों की जानकारी है। लेकिन दोस्तों, आप अपने आप को फंसा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, आप अपने आप को फंसा रहे हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को अपने बुद्धि के कसौटी पर देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय के कुम्हार बौद्ध हुआ करते तो आज के कुम्हारों को बौद्ध होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये कोई ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। धम्म जो है वो धम्म अपने भीतर जगाना पड़ता है, बाह्य दिखावों से धम्म होता नहीं है। धम्म जो है वो अपने दुखों को मुक्त करने की शिक्षा प्रदान करता है। ना किसी व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय में बांध कर रखता है। तो यही धम्म की बात है। अगर धम्म की बात आपको समझ में आती है तो ये सारी विचारधारा आपको समझ में आएगी। कैसे जातियों का निर्माण हुआ है ये भी आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको पता चलेगा कि उस समय के व्यापारी संघ को आज जाति में तब्दील किया है। तो दोस्तों, ये जातियाँ कोई किसी धर्म की या किसी संप्रदाय की नहीं होती है। ये जातियाँ उस समय के प्राचीन व्यापार की श्रेणियाँ है। अगर उसको हम जानेंगे तो हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का इतिहास जो है वो पूर्वजों का इतिहास हमें यही बयां करता है कि हम सदियों से देश विदेश में व्यापार करने के लिए जाते थे। ऐसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उस सोने की चिड़िया को भूल रहे हैं। और बाबा साहब ने यही कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भूलता है, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूलता है, वो समाज और वो व्यक्ति कभी अपना इतिहास बनाते नहीं है। तो यही अपना इतिहास है। और इतिहास को जानने के बाद उसको परखो, उसको परखने के बाद उसको जाने, उसको मान्य करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं कह रहा हूँ इसके लिए मानो। आप इस शिलालेख को जाकर देख सकते हैं। आज भी नासिक में जो त्रिरश्मि बुद्ध लेनी है, इस बुद्ध लेनी के ऊपर जाओ, लेनी क्रमांक 10 में आप जाओ। जैसे ही आप लेनी में एंटर करोगे, सामने ही 10 क्रमांक की लेनी है। उसमें बाएं बाजू में जो वॉल है उसके ऊपर ये शिलालेख लिखा है, उसको आप पढ़िए। अगर पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है तो बहुत सारे किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है। जैसे पुराभिलेख विद्या हो, महाराष्ट्र के इतिहास के साक्षीदार हो, या जेम्स बर्जेस का किताब हो, ऐसे अनगिनत किताब है जिसमें आपको ये इतिहास पढ़ने के लिए मिलेगा। उन्होंने इसको डिकोड किया है। तो जब ये आप पढ़ेंगे तभी आपको सच इतिहास सामने आएगा। केवल मैं कह रहा हूँ इसके लिए नहीं, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल का यही एक लोगों को सच बताने का तरीका है, सबूतों के साथ। किसी भी झूठी बातों को सामने नहीं रखना है, इसलिए ये आज के वीडियो में हमने आपको सच्चाई बताने की कोशिश की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका अभिप्राय ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वीडियो इंफॉर्मेशन्स देने के लिए है, जानकारी देने के लिए होते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए आप सपोर्ट ज़रूर कर ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन्स आपके सामने आने के लिए आप हमें इस माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।